इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया मांगे गोल्ड, जी हां, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक पुरुष हॉकी में भारत और जर्मनी के बीच मैच चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर यह मैच पहुंच गया है। भारत इस वक्त 5-4 से आगे है और ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी के बीच ये भिड़ंत हॉकी के मैदान में जारी है। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं, तो वहीं रुपिंदर पाल की बात करें, उन्होंने पेनल्ट्री स्ट्रोक पर गोल, उसको गोल में कन्वर्ट किया। अगर आज भारत जीतता है तो समीप जाहिर सी बात है 41 साल बाद भारत के नाम ओलंपिक का ये मेडल होगा, भले ही ब्रॉन्ज क्यों ना हो। इससे पहले भारत ने 1980 में आखिरी बार ओलंपिक्स हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस मैं तो जीत ही मान रही हूँ, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए अपनी लाल जैकेट भी पहन ली, टोटका बन गया है मेरा, जब भी ये पहन कर आता हूँ तो हिंदुस्तान जीत जाती है, तो मैं लगातार ये लाल जैकेट पहन के आ रहा हूँ और टीम जीत रही है। आपका जो तो यहाँ पर हमारा कलर कॉम्बिनेशन ठीक है तो जीतेंगे, लेकिन बहुत तनाव भरा मैच रहा है। पिछले 3 मिनट से धड़कने तेज हो रखी है और ये आखिरी के मिनट में घुस चुका है, करीब 30 सेकंड का वक्त बाकी है और 5-4 से मुकाबला जीतने में हिंदुस्तान जो है मैं कहूंगा कामयाब हो चुका है। और 41 साल बाद हिंदुस्तान ब्रॉन्ज मेडल जीतने में लगभग कामयाब हो गया। आखिरी सीटी बजने की औपचारिकता भर यहाँ पर है, आखिरी 40 सेकंड बिल्कुल, और ये 40 सेकंड हमें काउंटडाउन स्टार्ट कर देना चाहिए। समीप बहुत कांटे का मुकाबला चला है, ये जर्मनी ने बहुत जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला किया है हिंदुस्तान के साथ पिछड़ने के बाद 5-3 के बाद, लेकिन अब जो ही ये मुकाबला ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता भर रह गई है। अनलेस अगर ऐसा ना हो जाए कि कहीं आखिरी मोमेंट में जो है आपको पेनल्टी स्ट्रोक या पेनल्टी कॉर्नर आप दे दे जर्मनी को, और ऐसा होना अब मुश्किल लगता है क्योंकि हिंदुस्तान ने गेम में कंट्रोल कर रखा है। लेकिन इतना तनाव भरा मैच ये ब्रॉन्ज मेडल का वाकई में जैसा मौका है ब्रॉन्ज का, जितना बड़ा मुकाबला है उतना ही बेहतरीन मैच यहाँ पर हॉकी। आखिरी 15 सेकंड बचे हैं, काउंटडाउन स्टार्ट कर देना चाहिए हमें, क्योंकि जो उम्मीदें हैं वो पक्की हो चुकी हैं। भारत ने 41 साल बाद हॉकी में ये ब्रॉन्ज मेडल बस अपने नाम कर लिया है, चंद सेकंड की दूरी, मिनट की भी नहीं, आज तो कहेंगे चंद सेकंड की दूरी। और देखिए कितनी तेजी से ये सेकंड भाग रहे हैं, 7-8, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पर मिल गया है। जी हाँ, यहाँ पेनल्टी कॉर्नर मिल गया तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है आखिरी मौके पर श्रीजेश को एक बार फिर कमाल दिखाना होगा। डिफेंडर्स ने हमारे बहुत बेहतरीन काम किया है, पहले क्वार्टर को अगर छोड़ दें तो अगर अमित रोहितास की बात करें या सुमित कुमार की बात करें, जो पेनल्टी कॉर्नर में जो रश करता है ना, सामने दौड़ता है निकल के, जब वो पुश लेता है विरोधी टीम का खिलाड़ी और एक खिलाड़ी सामने निकलता है जिससे कि एंगल्स ब्लॉक हो जाए, कमाल का काम किया इंडियन डिफेंस ने वहां पर अमित रोहितास और सुमित कुमार ने। उम्मीद है कि इस पेनल्टी कॉर्नर आखिरी पेनल्टी कॉर्नर होगा क्योंकि मैच में कुल 6 सेकंड बचे हुए हैं और इस 6 सेकंड में अगर ये पेनल्टी कॉर्नर बचाने में कामयाब हुए तो ब्रॉन्ज भी हमारे नाम होगा। पूरे मैच में आज पहले क्वार्टर को छोड़ दें उसके बाद से जो हिंदुस्तान की टीम खेली है, वाकई में आज ब्रॉन्ज मेडल अगर किसी का हक बनता है तो यहाँ पर हिंदुस्तान का। और इसी के साथ समय हो गया एक समाप्त और इंडिया ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। समीप की बहुत बड़ी जीत, 41 साल बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल, वो भी हॉकी जैसे खेल में जिसमें हमने गोल्ड मेडल तक जीता है, और वो इमोशंस निकलने, वो टीम का देखिए किस तरीके से रुपिंदर अपने अमित के साथ गले मिल रहे हैं, सबका गले मिलना बनता है। अमित देखिए मैं नाम भी कंफ्यूज कर रही हूँ, समीप मुझे वो पिक्चर भी याद है जब हमने सेमीफाइनल मुकाबला हारा था और कैसे निराश हमारे खिलाड़ी नजर आए थे, लेकिन उस निराशा को ये जीत अपने मेरी दसवें पातशाह ने सुन ली, मेरी दसवें पातशाह ने सुन ली, मेरे पुत्र की इज्जत रख ली, मेरे पुत्र की होगा हाँ होगा।
बहुत वधिया मेरे पुत सारे बहुत वधिया खेडे बहुत वधिया बहुत वधिया खेडे बहुत मुंडिया ने मेहनत की है बहुत मेहनत की मुंडिया ने सब नानू मुबारकबाद देंगे सब नानू के 40 साल बाद पहली यार खेडे है पहली यार इतना इथे तक पहुंचे है बहुत ज्यादा पल मैं उस वेले भी कहूँ पहला तो मैं अपने दसवें पातशाह दे जाऊंगी खंड पाठ साहब कराऊंगी उस तो बाद फिर खेडूंगा इन्हें 40-45 साल बाद इंडिया टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मिलया होगा साढ़े मां इस तो बाद खुशी होर कि हो सकती है कि साढ़े बच्चे जीन जान ला के खेडे है हाँ जी सा अं पूरा सैलीब्रेस करा पूरा खुशी करा अं खुशी करा अं लैन जावे जी सारा पिंड लैन जावे हाँ जी साढ़े वास्ते गोल्ड मैडल ही है जी मैडल कोई हो मैडल तो मैडल ही है जी बड़ी खुशी हुई जी बोले सोने आप देख सकते हैं गुरजंत सिंह के घर पर और अगर बात करें ज्योत्सना गुरजंत सिंह ने 3 गोल भी दागे हैं शानदार प्रदर्शन किया है उनके घर में खुशी का माहौल बनता है इस वक्त टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और हिंदुस्तान ने 41 साल बाद मेडल लिया बहुत सारे बहुत बधाइया इंडिया टीम को बधाइया साढ़े मैंबर सारे बधाइया साढ़े पिंड बहुत ज्यादा बधाइया हाँ जी हाँ जी मैनू ब्रॉन्ज का गोल्ड ही है साढ़े लिए गोल्ड ही है बहुत ज्यादा उम्मीद ही सू ब्रॉन्ज मेडल आवे आवे कोई ना कोई हरचरण सिंह छोरे गोल्ड लेकर आए हैं तो बधाइयां बनती हैं ओ जी टूटी टूटी पंजाबी मेरी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल चकदे परफॉर्मेंस है चाहे मेंस की बात करें या विमेंस हॉकी की बात करें कमाल 41 साल के बाद आप इतना लंबा इंतजार और आपने फटका किसको है आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल मैच में जो 2008 और 2012 हाल के दिनों में हाल के ओलंपिक्स में मतलब 2012 में और 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी जर्मनी की टीम तो ये कमाल की बात है और आप रियो में भी जब खेले थे तब भी आप इनसे 2-1 से हार गए थे तो जर्मनी के खिलाफ जो हमारा रिकॉर्ड था वो अच्छा नहीं था बहुत ही दबदबे वाली टीम है और मैं रिकॉर्ड देख रहा था जर्मनी के खिलाफ आज तक हम 100 मैचेस खेल चुके थे इससे पहले सेंचुरी लगा चुके हैं मैचेस की उसमें से 53 मैचेस जर्मनी जीता है और हिंदुस्तान सिर्फ 20 मैचेस जीता है तो इसी से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जर्मनी हम पर कितनी हावी रही है इतिहास गवाह है भले ही हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में लेकिन जर्मनी को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना दबदबा इतनी बड़ी टीम है रैंकिंग में भले ही हम लोग उनसे ऊपर है एक पायदान 3 और 4 नंबर पर है जर्मनी लेकिन इस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जर्मनी जैसी और उस उलटफेर जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे वो भारतीय टीम ने कर दिया है एक बहुत अच्छी बात हमारी टीम के इन प्लेयर्स के घर वालों ने कही है कि जी मेडल का कलर अब फर्क नहीं उससे पड़ता है लेकिन जो मेडल आया है और जो समीप गोल्डन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे ना ये मैचेस में गोल्डन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों ने दी है और वो दिखी है हर मैच में चाहे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था चाहे इस मुकाबले की बात करें तो किस तरीके से भारत ने इस जीत को अपनी झोली में लिया और उसके बाद देखिए गोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं खुशी का माहौल है और आज तो बनता भी है 4 दशक बाद वो सपना पूरा हुआ जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था और अगर हॉकी की बात की जाए तो हमारा तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी बिल्कुल और इसका असर आप देखेंगे जैसे 1983 में ये मॉडर्न एरा में आकर जीतना बहुत जरूरी था आपने 1980 में आखिरी ओलंपिक मेडल जीता एशियन गेम्स में आपका परफॉर्मेंसेस ठीक रहा 1998 में आपने गोल्ड मेडल लिया था बैंकॉक एशियन गेम्स में और धनराज पिल्ले जैसे तमाम खिलाड़ी थे लेकिन एशियन गेम्स का मेडल जो है ऐसा असर नहीं डालता जो ओलंपिक का एक मेडल डालता है तो ये असर आप देखना इस हॉकी को बहुत फायदा होने वाला है बहुत सारे यंगस्टर्स हॉकी के साथ जुड़ने वाले हैं सबकी तारे जो है ना हिंदुस्तान में 2 खेलों से जुड़ी हुई है एक है हॉकी और दूसरा है क्रिकेट जी हाँ और लेकिन क्रिकेट के बीच में हॉकी कहीं खो गया था लेकिन अब इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से हॉकी का राइज हो गया है उदय हो गया है उदय हुआ है लेकिन उस उदय को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इसको वहां पर ना बरकरार रखना पड़ेगा 2003-4-5 में भी हॉकी बहुत ऊपर गई थी लगा था कि हॉकी अब जो है हिंदुस्तान की जो दुनिया में राज करने वाली है
लेकिन फिर हम बीच में खो गए कहीं पर। अब एक बार फिर बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम ऊपर उठकर आए हैं, पिछले 5-6 साल से अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, चाहे महिला हॉकी की बात करें या पुरुष हॉकी की, ओवरऑल हॉकी में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। और खास बात यह जोचना कि अब आपको ना इस हॉकी को देश भर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 राज्यों में सीमित रह गए, अगर आप देखें उड़ीसा, पंजाब और थोड़ा बहुत झारखंड। तो ये जो है अब जो पूरा हिंदुस्तान हॉकी खेलता था, पूरा हिंदुस्तान, मुझे उम्मीद है इस ब्रॉन्ज का असर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में हॉकी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा यंगस्टर्स यहाँ पर आएंगे। और ये खुशी जो है दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त माहौल। ये तो माहौल शुरुआत हुआ है, आज तो पार्टी शुरू हो गई है सुबह ही सुबह, अभी तो लोग उठ रहे हैं। और उठकर जब आज सुबह उठ के देखेंगे कि हिंदुस्तान ने हॉकी में ब्रॉन्ज ले लिया है, इसका क्या असर होगा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि हर कोई इस मैच पर नजर टिकाए बैठा हुआ था। और कहीं ना कहीं जो टाइमिंग थी टोक्यो के हिसाब से, जो टाइम डिफरेंस था, उसकी वजह से बहुत सुबह ये मुकाबला शुरू हुआ, सुबह 7 बजे। और 7 बजे मुझे नहीं लगता कि 80-90% जनता जो होती होगी, दुनिया जो है उठती है इतनी सुबह सुबह, बहुत कम लोग होते हैं, 15-20% जिनमें अच्छी आदतें होती हैं, जैसे आप में 5 बजे उठकर योगा भी करते हो आप। लेकिन जब आज हिंदुस्तान सुबह जागेगी तो उनको ये इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका इंतजार लगभग अब 50 साल होने वाले थे, 41 साल हो गए कि आप इंतजार कर रहे थे कि हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कब करोगे, ना सिर्फ अच्छा बल्कि मेडल भी। एक अहम प्रतिक्रिया आई है पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद की, वो हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। टीम डिफेंडर्स और जर्मन टीम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम सबकी निगाहें उस पर हैं। देखता हूं मैं, गोल रोक गए, हम जीत गए। काफी मुश्किल मैच था ये। ये एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हॉकी की हिस्ट्री में ये मैच ऐसा खेला गया है इस ब्रॉन्ज मेडल को, जो मैंने 20-30 सालों के अंदर ऐसा मैच नहीं देखा है। ये मैच एक ये उस वक्त की बाइट है जब शायद वो लास्ट पेनल्टी कॉर्नर मिला था और उसके बाद इंडिया ने जीत हासिल कर ली थी उस गोल को रोक के, सीधे बिल्कुल आखिरी 6 सेकंड। अब सीधे न्यूज रूम में मेरे सहयोगी अमित पालित का रुख करते हैं। अमित, बधाइयों के संदेशों का तांता लगना शुरू हो गया है, मैं आपके पीछे वो मैजिक वॉल देख रही हूँ, किन किन की तरफ से ट्विटर पर बधाई संदेश आए टीम इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी है और उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने लिखा है कि ये हिस्टोरिकल दिन है हमारे लिए, ऐतिहासिक दिन है, और सभी हर जितने भारतीय हैं उनके स्मृति में आज का दिन, बोलते हैं ना, अक्षरों के पत्थरों के अक्षरों की तरह छप जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 41 साल बाद भारतीय हॉकी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और हमने सभी ने मैच देखा कि क्या कमाल का आज का मैच था। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बातें लिखी, कांग्रेचुलेशन टू आवर मेंस हॉकी टीम फॉर ब्रिंगिंग होम द ब्रॉन्ज विद दिस फीट, दे हैव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर नेशन, स्पेशली योर यूथ, इंडिया इज प्राउड ऑफ आर हॉकी टीम। यानी जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ियों ने दम दिखाते हो, जो मैच दिखाया वो ऐतिहासिक है, और साथ ही साथ ना जाने करोड़ों जो हमारे यूथ हैं जो इस वक्त हॉकी के मैदान में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके लिए आज का दिन एक ऐसा इंस्पिरेशन रहने वाला है कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे वहां पर लगातार भारत फाइनल भी पहुंचेगा और गोल्ड भी आगे लेके आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गोल्ड की उम्मीद पक्की है, विनेश अभी बनी हुई है, बहुत ही दमदार शुरुआत उन्होंने कर ली है समीप, तो गोल्ड तो अमित ने तो फ्लाइट ले ली पेरिस की अभी से, रुक जाओ यार 3 साल है अभी, तो मुझे लगता है कि अगला जो होगा पेरिस में वहां पर पक्का गोल्ड है। और मुझे लगता है इसी तरह से अगर आज जो कमाल किया ना हॉकी ने, बड़े लंबे समय से इंतजार था और आज पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में चर्चा होगी, लेकिन हिंदुस्तान में तो जश्न मनेगा, क्योंकि हॉकी का जो असर है मुझे मालूम है 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, 2000 में हर समय हारते थे तो हार जो बड़ी चुपती थी, बहुत चुपती थी, आप फॉलो करें ना करें लेकिन हार चुपती थी। और ये जो जीत है ये अब जो है आपको जश्न मनवाएगी, खुशी देगी, तो इसी से पता चलता है कि हॉकी जो है कितनी बड़ी है इस देश में, कितना बेसब्री से हर कोई इंतजार करते हैं। कल शाम को महिला हॉकी टीम खेल रही थी जोधपुर, हमें याद है हम दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, मैं तो चली गई थी लेकिन आपने मोर्चा 6 बजे तक लगातार लाइव हम करते रहे, लगातार पूरे देश से कनेक्टेड रहे, हर समय अपडेट्स देते रहे, तो इसी से पता चलता है कि हॉकी जो है कितने हमारे दिल के करीब है, दिल के अंदर बसी हुई एक ऐसी ऐसा खेल है जिसमें हम 8 गोल्ड मेडल ले चुके हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक में अगर 9 गोल्ड मेडल कुल आए हैं तो उसमें से 8 तो हमारे हिंदुस्तान ने दिए, और गोल्ड मेडल आज
दोपहर को भी उम्मीद है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं देख सकता हूं कि मेरे सहयोगी जो कि कितने खुश हैं, जो पॉलिटिक्स और बाकी खबरों में पूरे दिन उलझे रहते हैं, हाँ। आज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को भी एक अलग सी खुशी दिख रही है मुझे, अमित हो या ज्योत्सना हो, कल सौरभ शर्मा, अजय कुमार भी आए, तो हॉकी में जब बात कर रहे थे मैं देख रहा था कि वो हॉकी जो है ना वो वाकई में बहुत नजदीक है दिल के हम सबके, और इसीलिए हमारा राष्ट्रीय खेल भी है समीप हॉकी। और जब इस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है तो जाहिर सी बात है सुनहरे अक्षरों में इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। भैया कोई अंत ना हो खुशी का, पिछली बार इस बार ठीक हो गई। हाँ हाँ बहुत खुशी है। सुबह से क्या कर रही थी, किस तरह से मना रही थी? क्या बस भगवान सही बनात ली के लोग के मेडल मिल जाए जीत जाए, लोग जीत जाए, बस बहुत खुशी है। कोई अंत है खुशी का ना, हम लोग बखान कह सकते। बेटे को नहीं खेलने का थोड़ा बहुत कुछ नहीं, इंडिया जीता ना, अगर इतने लोग हैं सब खेलेंगे तो कैसे टीम चलेगी, 16 लोग खेलेंगे ना, उसमें अगले मैच में खेले थे और कुछ इनको जो है पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इस मैच में इनको रेस्ट दिया गया और फिर इस मैच में जो है जीत गई इंडिया। इंडिया जीती तो मजा आया बहुत। सुबह से आप जी 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 क्या क्या ललित के मेरे ख्याल से पिताजी थे, वो बता रहे थे कि जब ललित को शायद उन्होंने टीम में नहीं देखा होगा तो उन्होंने पूछा कि तुम टीम में क्यों नहीं हो, तो ललित ने बोला कि टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, सारे थोड़ी अंदर टीम में बैठेंगे, फिर उसमें जो चेंजअप जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं वो भी होता है। और देखिए ये खुशी का जीत का लम्हा है परिवार वालों के लिए भी, और वो खुशी के आंसू उनकी आंखों में साफ नजर आ रहे हैं। हमारे हॉकी टीम के कप्तान जैसे ही मैच जीते खुशी से वो भी रो पड़े, तो परिवार का रोना, परिवार का इस तरह से इमोशनल होकर खुशियां मनाना बहुत लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही बात बताना चाह रहा था कि आप 41 साल बाद जीते हैं तो इसमें तो भावुक होना तो एकदम लाजमी अपने आप हो जाता है, और मैंने हिंदुस्तान के कुल 9 मेडल्स जो हैं पोडियम के साइड में रह के अपने आंखों से देखा है लाइव, तो मैं आपको बता रहा हूं जब हिंदुस्तान का फ्लैग ऊपर जाता है ना तो अपने आप आंसू आने लगते हैं, और जब मैं अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैं सोच रहा था, मैं अपने आप से बोल रहा था कि समीप तू क्यों रो रहा है यार, वो जीते वो हैं, लेकिन वो एक ऐसा इमोशनल सर्ज आता है, एक ऐसा इमोशनल, ऐसा भावुक आप हो जाते हो कि आपके आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, और वही चीज अब मैं देख रहा हूं कि सबके घरों में वही हाल है जो मेरा 3 ओलंपिक, जब मैं ओलंपिक ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्टिंग करता था और मैं देखता था जब मेडल सेरेमनी होती थी और आप झंडा देखते थे ऊपर जा रहा है और अपने आप आके आपके आंसू आ जाते थे खुशी के, और पता नहीं एक अजीब सी एक फीलिंग होती है खुशी की, हाँ वो प्राइड की, वो ऐसा ऐसा फीलिंग है मैं आपको बयान नहीं कर सकता जब तक आप होंगे नहीं वहां पर, या आप बिल्कुल आपका कोई खेल नहीं रहा होगा, जब वो आप उस खेल से जुड़े नहीं होता है। समीप मैं बयान नहीं किया जा सकता, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन जो जो इमोशंस आप बता रहे हैं ना वो एक एक पल पल का इमोशन मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो वो विक्ट्री की फीलिंग, देश का कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो वो हम भी फील करते हैं कि जी हमारे देश का प्लेयर, हमारे राज्य का, हमारे गांव का प्लेयर जीता है, तो वो इमोशंस जो है बहुत अंदर तक महसूस होते हैं। बल्कि आप जब वो 9 मेडल्स का जिक्र कर रहे थे तो मुझे घूस बम्स आ गए, आप जब हॉकी का जिक्र कर रहे थे, ध्यानचंद का जब आप जिक्र करते हैं, आप टीम इंडिया के गोल्डन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं तो वो इमोशंस फील होते हैं, और खासकर जब महिला हॉकी टीम का मैच चल रहा था तब भी वो इमोशंस फील हो रहे थे। फिलहाल ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की इस जीत को, भारत की इस विक्ट्री को। आज सेलिब्रेशन बनता है और अगर ये सेलिब्रेशन हफ्तों तक चलेगा तो भी जायज है, क्योंकि 41 साल बाद ये मेडल भारत की झोली में आया है। हॉकी जान लीजिए भारत का राष्ट्रीय खेल है, और जब उसमें आप मेडल की उम्मीद करते हैं और आपको कई सालों तक आप ना उम्मीद होते हैं तो फिर उसके बाद इस वक्त हमारे जश्न ऐसा पूर्व खेल मंत्री, अब कानून भी उनके हाथ में, सर किरण रिजिजू हमारे साथ है, और हमेशा अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की बात हो या बधाई देने की बात हो सबसे आगे, और एक बहुत बड़ा कारण है आज मैं फिर से दोहरा दूंगा कि इसके पीछे हमारे पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर इस लाजवाब जीत पर, इंडियन हॉकी के 41 साल के बाद के कमबैक पर? 41 साल के बाद में जब जीत होते हैं तो वो एक पीढ़ी नहीं दो पीढ़ियों का इंतजार है, तो
तो ये चीज जो है पूरा हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जीत है। उसके बाद में ये हमारा जो सुनहरा एक पल था हॉकी का, वो आज वापिस लौटी है। तो ये देश के लिए, हॉकी के लिए, भारत का खेल जगत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और सर मैच देखा आपने, आपकी आवाज सुन के लग रहा है कि सुबह से मैच देख रहे हो आप, और बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था, दिल की धड़कनें आपकी भी तेज होंगी। आखिरी जो जब 3 सेकंड बचे थे तब भी रिस्क था, और पेनल्टी कॉर्नर जब जर्मनी को मिले उसमें सिर्फ 3 सेकंड बचे थे, तो ऐसे पल में तो धड़कने तेज नहीं, धड़कने रुक जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन तो, भारतीय टीम ने उस उम्मीद को कायम रखा और आज हमें ये मौका मिला कि हम जश्न मनाएं। किरण जी, आप तो लगातार हर प्लेयर से, जो 127 प्लेयर्स का कॉन्टिजेंट पहुंचा है टोक्यो, आपने उन सब से मुलाकात की, चाहे वो क्वालिफिकेशन राउंड के बाद वापस आए, तो क्या जीत का मंत्र आपने उन्हें दिया? बिल्कुल, शुरू से हम लोग जब तैयारी शुरू की थी, जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन शुरू नहीं हुआ तब से लेकर के एक एक चलिए वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जीत की खुशी ना समीप किरण जी की आवाज में साफ नजर आ रही थी। और जितनी बार भी आपने, हमने या किसी और ने किरण जी से बात की है, समीप हमेशा उन्हें पूरा अपडेट रहता है, पूरा मैच सब कुछ वो देखते हैं। पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की, स्टार डिफेंडर, हिंदुस्तान की दीवार हुआ करते थे, कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं फटाफट। बहुत बहुत मुबारक, इससे जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जो यूथ जो हॉकी खेल रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओलंपिक खेलना चाह रहे हैं, उनके मन में एक जोश और एक विश्वास आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आज भी हम वर्ल्ड में बेस्ट हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में हमारे लड़के खेले हैं, जिस तरीके हमारे खिलाड़ी खेले हैं स्टार्टिंग से लेके आज, हम सबका उम्मीद था अच्छे करेंगे, मैच में आउटडम था, हम मायूस भी हुए हैं, हम हार भी देखे हैं, लेकिन फाइनली आज ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, हम काफ़ी खुश हैं। और मैं कहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी खिलाड़ी, हमारे ऑफिशियल्स, कोच, मैनेजर, हॉकी इंडिया, और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने 2 साल पहले जो मेंस और वुमेंस टीम को स्पॉन्सरशिप हॉकी के लिए जो हेल्प किए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए हेल्प किए, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी मोटिवेट हुए और इंडियन हॉकी काफ़ी आगे आई, और आज आपके सामने सब कुछ रियल आपके सामने। नवीन पटनायक का जिक्र किया समीप, और दोनों ही पुरुष और महिला टीमों की बात की जाए, उनके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए उड़ीसा में अलग तैयारी चल रही है, स्टेडियम का निर्माण हो रहा है ताकि वर्ल्ड क्लास हॉकी भारत में भी हो सके, और ऐसे में उनका शुक्रिया अदा तो बनता ही है। बिल्कुल, और एक और कांटे का मुकाबला फिलहाल चल रहा है रेसलिंग में, 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट, हमारी एक और देश की बेटी, जो है जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फिलहाल 3 पॉइंट से पिछड़ी हुई है, उस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बेलारूसियन पहलवान के खिलाफ, तो बेलारूस की अभी जो पहलवान है वो आगे चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उसको भी पूरा कर लेंगे। फिलहाल हम हॉकी की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं, और हॉकी में समीप जी प्लीज बोलिए। मेंस हॉकी में जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों का खाता खुल गया है। थैंक यू सो मच इस बात को याद दिलाने के लिए। मैं ऑफिस आता हूं तो हमेशा यही कहते हैं कि लड़के कब क्या करेंगे, सब बेकार हो गए, ऑफिस का काम भी हम कर लेते हैं। बेकार कभी नहीं बोला। हाँ नहीं, बेकार नहीं बोला, मतलब उस अंदाज वही होता है। अब चलिए, अब लड़के आ रहे हैं, आज रवि दहिया एक गोल्ड भी ला देंगे तो 15 मेडल लाए आप सीधे। जी हाँ, और सीधा गोल्ड मेडल अगर आ गया, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन आज जो मुकाबला था हॉकी का, जो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट था कि 5-4 जो था, वाकई में एक ऐसा स्कोर लाइन था हमें आखिर में देखने को मिला, जो वाकई में ना जस्टिफाई करता है इस मुकाबले को। जश्न इसलिए भी ज्यादा बनाने का मन कर रहा है क्योंकि आपने इतना एक क्लोज कॉन्टेस्ट, इतना नजदीकी मुकाबला, इतना रोमांचक, तनाव भरा मैच जीता है। अगर आप बॉल पोजीशन की बात करेंगे, जो गेंद रखने की बात होती है, बॉल पोजीशन 50-50% दोनों टीमों के पास। आप अटैक की बात करेंगे, जो सर्कल के अंदर घुसकर अटैक करने की बात थी, हिंदुस्तान ने 12 किए तो जर्मनी ने 23 किए। तो ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त था। पेनल्टी कॉर्नर हमें मिले 4 या हमें 5 मिले हैं, और उनको मिले हैं करीब 16।
तो मतलब ये डिफेंड बहुत अच्छा किया गया। उनको 13 पेनल्टी कॉर्नर मिले, एक कन्वर्ट किया है, हमें 6 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, तो जर्मनी की टीम को रोका है। हमारी डिफेंस की जितनी तारीफ की जाए, मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड जिस तरीके से खेली है, जो रणनीति की भी थोड़ी बात करें, अगर जश्न तो मनी रहा है, लेकिन जो हॉकी आज हिंदुस्तान ने खेली है जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी ने पूरा अटैक किया है, गोल दागने की कोशिश की है, लेकिन अभी हिंदुस्तान की टीम ने जर्मन के पूरे फायर पावर को रोकने में जो कमाल दिखाया है, जो डिफेंस ऋजेश इस टूर्नामेंट के हमारे हीरो रहे हैं, लेकिन पूरी टीम ने जो कमाल किया है, जो गोल करने की अगर हम बात करें, पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट करने की, रुपेंद्र पाल की बात करें, दो मिले दोनों कन्वर्ट किए, लेकिन आज इतना बराबरी का मुकाबला था, जहां पर बॉल पोजीशन की बात है, अटैक्स में जर्मनी हमसे कहीं ज्यादा आगे था, तो और पिछले मुकाबले भी देखें तो जर्मनी हर मुकाबला हमसे जीता है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का जीतना यहां पर खुशी को दोगुनी कर देता है, और वो भी जर्मनी से। दो फैक्टर हैं देखिए, एक तो टीम इंडिया अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरी थी, टीम इंडिया को मालूम है कि जब ओपोनेंट जर्मनी जैसी टीम हो, जिसका एवरेज में पलड़ा हमसे ज्यादा भारी हो, 53 मैचेस जीते हो 100 प्लस मैचेस में, तो ऐसे में तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हारना फिलहाल आज के मैच में टीम इंडिया के पास ऑप्शन नहीं था। और दूसरा समीप, वो जो टोटके और फैक्टर्स की आप बात करते ना, आज मुझे लग रहा है एसएस फैक्टर चल गया। भारतीय टीम के गोलकीपर हैं ऋजेश और महिला टीम की गोलकीपर हैं सविता, एसएस फैक्टर चल गया, वो वॉल जो है बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ डटी रही, ताकि उस गोल पोस्ट के अंदर जर्मनी की टीम गोल ना कर पाए, वो पेनल्टी कॉर्नर्स गोल में कन्वर्ट ना हो पाए, और उसके अलावा जो हमारे डिफेंसर्स थे और जो आगे खेलते हैं खिलाड़ी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया, पूरा समर्थन दिया टीम का। बिल्कुल, और मैं देख सकता हूँ कि ज्योत्सना कितनी खेल की बारीकियों को पकड़ने लगी है, और कितना जो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, अब जो छोटी छोटी चीजें, इसी वजह से यही बात हम कह रहे थे कि हॉकी जो है ना पूरे देश में छाई की, इसी वजह से जो होता है कि छोटे छोटे बच्चे हॉकी देखते हैं, समझते हैं और खेलने लगते हैं। और आज का जो जर्मनी के खिलाफ मैच जीता है हिंदुस्तान ने, वो एक नजदीकी मुकाबला जीता है, एक तनाव वाला मुकाबला जीता है, जिसमें हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हमारे अंदर काबिलियत भी है, हमारे पास टेम्परामेंट भी है, और हमारे पास बेहतरीन हॉकी भी है। बिल्कुल, मैं जीता है, हमको बहुत खुशी है, मैं मदीगा फाता हूँ, मुझे इतनी आज बस कुछ बोल नहीं सकता मैं, जो इंडिया आज कर दिखाया है, और आज बुरे भंगड़े पड़ेंगे। और मदीप की परफॉर्मेंस किस तरह की लगी? बहुत बढ़िया रही जी, बहुत बढ़िया रही, जो मदीप स्ट्रोक बनाई, जो मदीप प्लांटिंग ऑन बनाई, उनको बहुत खुशी रहा जी, हम पूरी खुशी है, हमको मेरा बच्चा है बहुत अच्छा खेलता है, पूरी टीम अच्छी खेलती है, कैप्टन हमारे गाँव से है वो भी अच्छा खेला है, वरुण कुमार गाँव से है वो भी अच्छा खेला है, सभी टीम अच्छी खेली है, पंजाब के 11 बड़े अच्छे खेले जी, आज जनता का नाम के पंजाब का नाम पूरा रोशन, तो साथ में इंडिया का नाम रोशन हुआ जी, तो आप बहुत खुश हैं? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी, आज भंगड़ा होगा, भंगड़ा होगा जी, होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, ठीक है। ये हमारे खिलाड़ियों के परिजन हैं, माता पिता हैं, देखिए हंसी जो है चेहरे से जा नहीं रही है, बोल कुछ पा नहीं रहे, ये ऐसा पल है, इतना भावुक पल है इनके लिए, कि अब इनके बच्चों ने कमाल किया और जीत वो जो है भारत की झोली में मेडल के रूप में लेकर आए, तो देखिए खुश होना, मिठाई खाना, भंगड़ा पाना तो बनता ही है। और मैं एक बार फिर से कहूंगी, आप भी थोड़ा भंगड़ा कर दीजिए, जो तस्वीरें समीप हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर कोई भंगड़ा ही कर रहा है, सुबह 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 आप कोई भी त्यौहार समझ लो, आज वो त्यौहार बन गया है, और इस हॉकी की जीत ने होली दिवाली न्यू ईयर जो चाहे आप कह लो, आज हर कोई यहाँ पर जश्न मना रहा है, खुशी का एक ऐसा पल मिला है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने हॉकी में आखिरकार जिस खेल का हम इंतजार करते हैं कि हम जीते, हम वहाँ पर मेडल लें, तो उस खेल में आकर हमने मेडल लिया है, तो ये एक कमाल की बात है, और इस जीत का जश्न जो है अभी तो शुरू हुआ है, इस जीत का असर आप हिंदुस्तान में देखेंगे, लेकिन इस बीच इस ब्रॉन्ज के बीच एक छोटी सी अपडेट भी आपको दे दूं कि विनेश फोगाट जो है अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेलारूस की पहलवान के खिलाफ हार गई है, और क्वार्टर फाइनल में बाहर होने के बाद अब उन्हें रेपेशास का इंतजार करना पड़ेगा, जहां से वो ब्रॉन्ज मेडल ले सकती है, तो ये एक थोड़ा सा झटका हो गया सुबह, विनेश फोगाट जिनसे हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी 53 किलो वर्ग में, वहां पर वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई है बेलारूस की रेसलर से, तो फिलहाल ये तो है अपडेट टोक्यो से, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं जीत की तरफ जी, आपको बोले प्लीज, जीत का ही रुख करते हैं, क्योंकि आज दिन इतना बड़ा है, मौका इतना बड़ा है, 41 साल बाद ये जीत भारत की झोली में आई है, और वो भी उस गेम में जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यानी कि हॉकी, और वो जीत के जश्न की तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी पर दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से जीत की तस्वीरें डांस के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में, सबके हाथों में तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रही है, क्योंकि आज
फीलिंग बहुत बड़ी है। देखिए तिरंगा लोगों के हाथ में इसलिए भी है क्योंकि आज तिरंगा शान से ऊंचा लहराया है। 41 साल बाद ये जीत मिली है और वो सेलिब्रेशन और वो खुशियां ना सिर्फ तस्वीरों में बल्कि लोगों के चेहरों पर, उनकी जबान में, मतलब उनके शब्दों में भी समीप नजर आ रही है। पंजाब की तस्वीरें हमने देखी, झारखंड की तस्वीरें हमने देखी, वहां का लोक नृत्य भी हमने देखा, भंगड़ा भी चल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो ऊपर वाली तस्वीर है किसी हॉकी ग्राउंड की ही है। बिल्कुल, युवा ये भविष्य है हमारी हॉकी का। बिल्कुल, और आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां जो है वो हॉकी की एकेडमी की बच्चियां हैं और ये सारी लड़कियां भी आ गई हैं। सोचिए कितना बड़ा आज एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन इनको मिला होगा कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल किया। और जब ये कमाल होता है तभी आपको लगता है कि हम भी कर सकते हैं और हमें ये दोहराना है। आज ये ब्रॉन्ज लेकर आए और ये जब कल जाएंगे ओलंपिक्स में गोल्ड लेने की कोशिश करेंगे। ये जम्मू की तस्वीर है और जम्मू में भी हॉकी जो है काफी लोकप्रिय खेल है। बहुत जो बच्चे हैं या फिर युवा है वहाँ पर हॉकी बहुत खेली जाती है। पंजाब का ही रीजन है ये। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें इस मुकाबले की तरफ, अगर रुक करें एक बार फिर, जो जश्न मनाने का एक और कारण है। अब आप देखें, आप 0-1 से पिछड़ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। आप कार्यक्रम उनकी जगह पहुंच के दिखाएंगे। अच्छा समीप, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जो कुछ दिन पहले आई थी, जम्मू से ही आई थी, यही बच्चे थे, यही मैदान था और बेस्ट विशेस उन्होंने टीम इंडिया के लिए भेजी थी, महिला टीम के लिए भी, पुरुष टीम के लिए भी। बिल्कुल, और अब वो खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं है जो मेडल जीत कर लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भविष्य बन चुके। बिल्कुल, मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे कि हमारे साथ एक और दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त जुड़े हैं, दिलीप तिर्की, हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान और दीवार, जैसा कि हम पीआर सृजेश के लिए बोलते हैं। हाँ। दिलीप तिर्की को जिन्होंने खेलते हुए देखा, जैसे मैंने देखा है, मुझे मालूम है क्या जबरदस्त डिफेंस थे और इसी डिफेंस ने कमाल किया है। दिलीप आज लाजवाब प्रदर्शन डिफेंस का, आप देखें पूरा जर्मन अटैक को रोक के रखा पूरे 60 मिनट जिस तरीके से टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिफेंस, और आज मेरे ख्याल से आज परफेक्ट हॉकी दिखाई डिफेंस हमारे खिलाड़ी सभी ने। जिस तरीके सीजर्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट कॉर्नर बेहतरीन हॉकी, बेहतरीन सेव के लास्ट सेकंड में भी, लास्ट 6 सेकंड में उन्होंने बहुत अच्छा शॉर्ट कॉर्नर सेव किए। डी के अंदर हमारे डिफेंस डाइव करके बॉल निकाल रहे हैं, यू नो, तो बहुत ही अच्छा डिफेंस का मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन था। लेकिन जिस तरीके से मेरे ख्याल से जीत आज हुई है, फर्स्ट हाफ में 1-0 के लीड, फिर ड्रॉ करना, फिर 3-1 से हम डाउन, फिर 5-2 से लीड बनाना, मेरे ख्याल से बेहतरीन हॉकी की हॉकी ही कहेंगे हम। और सबका कंट्रीब्यूट, कैप्टन बहुत अच्छा, आज हमें मनप्रीत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, हमारे फ्लिकर ने जो लास्ट मैच में हम जो मिस कर रहे थे शॉर्ट कॉर्नर में बाहर गेंद फेंक रहे थे, आज गोल हमने गोल दागे, हमारे हरमनप्रीत रिटर्न में रिवर्स रिबाउंड में गोल हमने दागे हैं, हमारे सिमरन के 2 गोल, हरदीप का रिबाउंड में गोल, हरमनप्रीत का शॉर्ट कॉर्नर गोल, रुपेंद्र भाई स्ट्रोक प्लेंटी स्ट्रोक में गोल, तो ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा रहा है। और फाइनली जो हम जा रहे थे, उम्मीद थी और सबका एक सपना था कि इस ओलंपिक में मेडल लाएं, और खुशी की बात है कि जो हम कहते हैं 49 ईयर के बाद हमने मेडल नहीं देखी थी, हम तरस गए थे मेडल लाने के लिए, रियली हमारे लिए क्या हिस्ट्री है, आज इतिहास रचे हैं हमारे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं, और इससे क्या, इससे जो आने वाले पीढ़ी हैं हमारे जो यूथ तो खिलाड़ी हैं जो हॉकी के जरिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके मन में विश्वास और एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि फ्यूचर में हम ओलंपिक वर्ल्ड कप में जीत सकते हैं, बेटर हॉकी खेल सकते हैं। दिलीप, आपको मैंने सालों खेलते हुए देखा, सबसे ज्यादा अपीयरेंसेस की बात करें उसमें भी आपका नाम आता है, आपको ओलंपिक में भी खेलते हुए देखा, क्या फर्क है आपके और इसके टाइम में, जो कारनामा आपकी टीम भी कर सकती थी नहीं कर पाई लेकिन इस टीम ने कर दिखाया। आपके टीम में इससे बड़े बड़े स्टार थे, दिलीप तिर्की, धनराज पिल्ले, गगन अजीत सिंह, लेकिन आपकी टीम नहीं कर पाई, उससे पहले नहीं कर पाई, इस टीम ने कर दिखाया, क्या खास था इस टीम में दिलीप? सही बात आप बोल रहे हैं कि उस टाइम धनराज पिल्ले, मुकेश मन, बलजीत सिंह ढिल्लों, साइनी, गगन, दीपक, यू नो, बड़े बड़े खिलाड़ी, आशीष बलाल, बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन हम लोग को कभी ओलंपिक का मेडल देख नहीं पाए, इस बात का हमें भी दुख है। लेकिन उस टाइम भी हम अच्छे हॉकी खेलते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास फ्लिकर नहीं थे, वर्ल्ड क्लास फ्लिकर नहीं थे। जो आज के तारीख में देखिए, आज हमारे टीम में 2-3 बेस्ट फ्लिकर हैं, वर्ल्ड क्लास फ्लिकर हैं,
तो हम देखिए लीग मैच से लेके आज फाइनल मैच तक, बिल्कुल दिलीप मैच तक, आप देखिए आप जिस दुख का जिक्र कर रहे हैं उस दुख को भी टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन ने खुशियों में जीत में तब्दील कर दिया है और मुझे लगता है समीप इनका भी वो अधूरा सपना पूरा हो गया होगा जिसकी आस इनकी पूरी टीम ने लगाई। बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं दिलीप तिर्की और उनको देखा खेलते हुए और ये जो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल जो उनका जो दुख था ना वो आज खत्म हो गया होगा कि ओलंपिक का मेडल देख लिया उन्होंने। बिल्कुल, तो चलिए इस पेशकश में लगातार हम आपको आगे भी अपडेट देंगे। इस पेशकश में और क्या हो रहा है रेसलिंग को लेकर क्या तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, हॉकी पर और बात करेंगे और कुछ और फॉर्मर प्लेयर्स जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो खुशियां हैं जो बधाइयां हैं वो बांटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।